हेरिटेज मेयर कुसुम यादव जी हमारे साथ हैं। मैम, जयपुर समारोह और पहला बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी, किस प्रकार से इसको पूरे को आप व्यवस्थित करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि वाकई में आपका हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और हेरिटेज में, जैसा कि अभी आपने भी बताया था, बहुत बड़ा एरिया आता है। मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट हमारा परकोटा है जो आपके एरिया में आता है। देखिए, जयपुर का मेयर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जयपुर समारोह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, जयपुर के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जयपुर का स्थापना दिवस है जिसे हम पूरे महीने मनाते हैं। हमारी सभी की कोशिश है कि इसमें कोई कमी ना रहे। जो जितना भी हमारा राजस्थानी कल्चर है, हमारा जयपुर का कल्चर है, इसमें उभर के सामने आए। जो जयपुर के लोगों की बहुत दिन से दबी हुई इच्छा थी कि जयपुर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो, ऐसे कार्यक्रम हो जिससे जयपुर की संस्कृति उजागर हो, सभी लोग देख पाएँ। और जयपुर में जो माहौल है, कहीं झगड़ा कहीं दंगा, उससे उठकर ऊपर उठकर हम लोग एक खुशी का माहौल, खुशियां मना पाएँ, जिस तरह से हम फैमिली में त्यौहार मनाते हैं, हम इस बार जयपुर समारोह के तहत सारी पूरे जयपुर में त्यौहार मनाएंगे। मैम, जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, एक लंबा आपका भी अनुभव रहा है संगठन का, संघ का, तो उस हिसाब से अगर बातें करें तो हेरिटेज में कई एरिए ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि ऐसे जोन में आते हैं जहां पर हर आम आदमी जाना पसंद नहीं करता या वो वहां पे जाने से डरता है। तो जयपुर समारोह के दौरान कई लोग हर जगह विजिट करेंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से ना सिर्फ जयपुर समारोह में बल्कि आगे आने वाले समय के लिए भी, ऐसे जैसे मैं नाम भी लूँ, रामगंज का इलाका हो गया या आगरा रोड वाला इलाका हो गया, तो उसके लिए कुछ आपकी कार्य हो? देखिए, वैसे मैं ये मानती हूँ कि जयपुर का जो यहाँ का निवासी है लोकल, वो कभी भी दंगा फसाद नहीं चाहता। कुछ ताकतें हर जगह होती है जो बाहर से आती है और कुछ ना कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है, लेकिन जयपुर समारोह के दौरान, क्योंकि सभी लोग जयपुर को और जयपुर के लोग हैं, जयपुर को बहुत चाहते हैं, कुछ सुरक्षाओं के साथ हम इसको प्रोग्राम को करेंगे। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि रामगंज और बड़ी चौपड़ या आगरा रोड, वहाँ 100% प्रोग्राम होंगे। और कव्वाली का प्रोग्राम तो हमने बड़ी चौपड़ से रामगंज की तरफ जाते हुए रखा है। उसके अलावा शाम भजन संध्या का कार्यक्रम भी हमने बड़ी चौपड़ से रामगंज की तरफ ही रखा है। तो मुझे लगता है कि हमें आपसी सौहार्द में रहने की ज़रूरत है। मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते। हम सदियों से यहाँ मिलके रह रहे हैं और वही माहौल अभी आपको देखने को मिलेगा। जयपुर समारोह में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, जयपुर समारोह गणेश वंदन से शुरू होगा, गणेश निमंत्रण से शुरू होगा, उसके बाद गोविंददेव जी के मंदिर में कथक भी होगा, कव्वाली भी होगी, कवि सम्मेलन भी होगा, राजस्थानी रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, बॉलीवुड नाइट भी होगी, क्रिकेट मैच भी होगा जिससे आपसी सौहार्द बढ़ सके। इसी तरह के विभिन्न प्रोग्राम इसमें किए जाएंगे जो जयपुर के कल्चर को हमें दिखाएंगे। नाटक भी होगा, जैसे कई बार होता है हमारे यहाँ जयपुर की जोनार या जो भी है, कई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो जयपुर में कई वर्षों पहले होती थी। जयपुर को जीवित रखना, जयपुर की संस्कृति को जीवित रखना, यही हमारा परम ध्येय है। जयपुर को जीवित रखना, जयपुर की संस्कृति को जीवित रखना, नगर निगम हेरिटेज मेयर कुसुम यादव का ये कहना है। और जाहिर सी बात है, जयपुर समारोह के अंदर इस कोशिश के एक सार्थक प्रयास भी ज़रूर दिखेंगे। और कुसुम जी का साफ तौर पर कहना है कि संपूर्ण जयपुर वासियों को इस समारोह में हिस्सा लेना है, किसी भी तरह, जिस भी तरह वो अपना योगदान देना चाहते हैं वो दें और जयपुर समारोह को सफल बनाएं। और आगे भी जयपुर को लेकर मेयर कुसुम यादव की जो कार्य योजना है, उसमें जयपुर की सुरक्षा, जयपुर की स्वच्छता, जयपुर का सौहार्द और जयपुर की संस्कृति किस प्रकार से और आगे बढ़े, उस और ये लगातार काम करती रहेंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।